पड़ाव जो है वो हो चुका है तैयार और आम का है सीजन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से? आज हम घर में बनाएंगे घर वालों के साथ मिलकर देगी पुलाव। हमारे साथ रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पतीले में हमने प्याज जो है वो ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं और साथ में हमने ले लिए हैं गरम मसाले, जो आम घर के मसाले होते हैं। तेज़पात ले ली है, दादर कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, काली इलायची ले ली है, दालचीनी ले ली है और बड़ी इलायची ले ली है, ज़ीरा ले लिया। इनको हम कर लेंगे कूड़े में दरदरा। करने के बाद साथ साथ हमारे जो हैं वो प्याज भी हो रहे हैं ब्राउन। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन पतीले में। साथ हमारे मसाले जो हैं वो हम हो चुके हैं रेडी। और मसाले जो भी हैं हमारे, जो मसाले हैं सिर्फ उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा हिस्सा पहले डालेंगे, आधा हिस्सा आप संभाल के रख लीजिएगा। उसको मैं बताता हूँ उसको भी क्या करना है। तो प्याज तकरीबन हमारे होने वाले हैं ब्राउन और मसाले भी हमने 200 में डिवाइड कर लिए हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका था, हम उसको अब निकाल रहे हैं दूसरे बाउल में। और उसके साथ ही हमने उसी ऑयल गरम ऑयल में चिकन डाल दिया था, तो इसको अब हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन चिकन को भी अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने डाल दिए प्याज, टमाटर और दही। जो दही आपने सारा डाल देना है, टमाटर और प्याज मैंने आधे आधे इसमें डाल दिए। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है और ये जो आधे मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मिक्स होने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। हमने इसको डाल दिया, इसमें डाल दिया है चावलों के हिसाब से पानी। पानी जो हमारा पकने लग चुका है चावलों वाला, इसमें अब हम डालेंगे चावल। जब तक आपके चावल जो है वो दम के लिए रेडी हो जाएं, साथ साथ आपने वो आधा प्याज और जो हमने आधे टमाटर रखे हुए थे और साथ ही हमने जो आधे मसाले बचा कर रखे हुए थे वो भी रखिएगा रेडी। और साथ में एक पुलाव का पैकेट जो है वो पैकेट वाला मसाला जो होता है वो पुलाव का, वो भी रखिएगा रेडी। तो मसाले जो आधे थे वो हर चीज़ हमने इसमें डाल दी है और साथ ही इसके ऊपर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो पुलाव का एक पैकेट है मसाले का वो भी इसके ऊपर जाएगा। इसमें आप नमक मिर्च और मसाले अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। तो अब हमने इसको रख दिया है दम पे। आप यकीन करें कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग और डिफरेंट होगा और बहुत मज़ेदार होगा। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा इसका कलर है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो और यकीनन आप ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट भी जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे चावलों से। तो इस तरह हमारा देगी पुलाव जो है वो हो चुका है तैयार और आम का है सीज़न। और साथ सलाद और रायते के और आम के साथ ये पुलाव आपको बहुत ही मज़ा देगा। दुआओं में याद रखिएगा, बच्चे भी खाने के लिए हैं तैयार, बच्चों को लगी हुई है भूख। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके तो